के दिन तेरे हवाले आ मिले हो यूं ही। क्या जरूरत थी उनके सामने पट 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 बोलने की। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। अगर इतने ही अच्छे लड़के को इकबाल इतनी अच्छी लगी थी तो वो कह देता कि मैं खुद को बदल लूंगा इकबाल के लिए। वो तो इनकार करके चला गया। औरत बदलती है खुद को औरत, तुम्हें क्या पता। तुम तो अगर औरत सच पर है तो वो क्यों बदले किसी की खातिर खुद को। और वैसे भी बकौल आपके कि वो उसको मुझे सब बेशर्म बनाना चाहते थे। सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अरे इतना अच्छा रिश्ता निकल गया हाथ से। क्यों परेशान होती है। वैसे सच पूछे तो मुझे ये रिश्ता इतना पसंद भी नहीं था। ना जात का कुछ पता, ना खानदान का, अपनी बिरादरी के लोग भी नहीं थे। अब मुदस्सिर को पता चलेगा तो ढेरों ढेर बातें सुनाएंगे। ये मिस्टर पोपा अपने घर में रहते हैं तो हमारे बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। ना वैसे ये मुदस्सिर भाई को क्या मसला। मेरी सुरैया के साथ जो तुम लोगों ने किया है ना वो मैं भूली नहीं हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इकबाल की बहन हूँ। कल को शिकवा ना करना कि बहनों को अलग कर दिया। मुदस्सिर तो अपना समझ के फिक्र करते हैं। मैं अब्बा जी से बात करूंगी। इकबाल कोई हम पे बोझ तो नहीं है। इकबाल की शादी खानदान में होगी, जान पटक के करेंगे अच्छी तरह से देखभाल करके। किसी अहरे घर के साथ चलता है तो नहीं कर सकते ना। जो भी आएगा उसके साथ भेज दे उसको। कौन है खानदान में, इसी चक्कर में उसकी आधी उम्र गुजर गई है, अब बाकी क्या रह गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने रसिया। वेल डन। अमेरिकन बहू का रंग चढ़ गया आप सबको। मैं जा रही हूँ अब्बा जी के पास, तफसील से बैठ के उनसे बात करूंगी। फिरदौस बस अकल आ गई है और कुछ नहीं हुआ। तुम भी खुद को बदलो। ऐसा ना हो कि हामिद और ओसना का जात बिरादरी से बाहर रिश्ता करना पड़े। कभी कभी अपना किया ही अपने आगे आ जाता। आप कुछ भी कहें, अपनी बहन के लिए इससे कई गुना अच्छा रिश्ता है मेरे पास। अब्बा जी से बात करती हूँ मैं। सर वो अचमत साहब का फोन आया था। बात कर। क्या हुआ है। अश्वत साहब आ जाएंगे, उनको क्या कहने। अश्वत साहब से मेरी बात हो गई है अभी। क्या कहा उन्होंने। जो उन्होंने कहा है ना, मुझे जरा उसका मजा लेने दो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम ऐसा करो, दो दूध पत्ती चाय लेकर आओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए। जाओ बोल दो। उसका मेजरमेंट कर लिया था सही। चलो बिशारत मियां, तुम्हारी बहन खफा है हमसे। क्यों बाबूजी, हमने ऐसा क्या किया है। भाई इसे लगता है, बल्कि इसे क्या, इसके शौहर नामदार मुदस्सिर साहब को लगता है कि हमने खानदानी रस्म रवाज और तरीके पसे पुश डालकर नई नई बातें अपना ली हैं। ऐसा क्या कर दिया हमने है बाबूजी। भैया जो अपनी बेटी इकबाल का रिश्ता खानदान से बाहर करने का सोच रहे हैं। फिरदौस अपने मियां मुदस्सिर से जाके कहो, उसने यहां मेरे घर में जो तमाशा लगाया था और मेरी बेटी सुरैया पर जो इल्जाम लगाया था मैं भूला नहीं हूं अब तक। और एक बात याद रखना, ये हमारे घर के फैसले हैं और हम अपने फैसले करने में बिल्कुल आजाद हैं। खानदान वालों के या तुम्हारे शौहर के पाबंद नहीं हैं हम। मुदस्सिर ने जो किया उसके लिए तो मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग जो अब करने जा रहे हैं पूरे खानदान और बिरादरी के सामने शर्मिंदा होंगे अब, और मुझसे तो नहीं सही जाएगी अपने बाप और भाई की शर्मिंदगी। तो क्या करें, बिठा के रखे मासूम इकबाल को। और मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा है तुमने। एक रिश्ता है ना मेरी नजर में। कौन। वो मुदस्सिर की बहन है ना शकीला बाजी, उनके देवर। अभी 2 माह पहले ही उनकी बीवी का।
वो 60 साल का बुड्ढा? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? बशारत भाई ऐसे तो ना कहे, 60 साल के तो नहीं है वो। अरे 60 का नहीं होगा तो एक कम 60 का होगा, इकबाल से 20 साल बड़ा, जवान बच्चियों का बाप। तो अब इकबाल को कुंवारा और हम उम्र तो नहीं मिलेगा ना, तलाक शुदा है हमारी बहन, यही हकीकत है। कुंवारा और हम उम्र मिल भी सकता है मगर इकबाल से 20 साल बड़ा नहीं होगा। कौन? वो जो रिश्ता लेके आए थे, वो जा चुके हैं, आपकी अमरीकन बहू ने बातें सुना सुना के उन्हें भगा दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसी जगह नहीं करूंगा जहां किसी की इत्तफाक से बीवी फौत हो गई और मेरी बेटी के नसीब जाग गए। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह करूंगा जहां कोई मसलियत या मजबूरी नहीं होगी, बल्कि इज्जत, चाहत और मोहब्बत होगी। अब्बा जी, कहां से मिलेगा ऐसा शख्स आपको? अल्लाह के करम से मिल गया। तुम और मुदसर चाहो तो इतवार को यहां आ जाना, मैं उस दिन इकबाल का रिश्ता तय करूंगा और निकाह की तारीख भी उसी दिन मुकर्रर कर दूंगा। बाबूजी किसकी बात कर रहे हैं आप? दिलशाद जुल्फी की बात कर रहा हूं। वो नवीद का बचपन का दोस्त? वो क्या अब्बा जी, वो नवीद भाई का लफंगा दोस्त जो बचपन में हमारे घर आता था, कभी गुड्डे लूटने कभी सालन मांगने, उसे दे रहे आप इकबाल का रिश्ता? बचपन में तुम्हारा भाई बिशारत भी तो गलियों में दौड़कर गुड़िया लूटा करता था और हम साहब के घर खाना देकर बैठ जाता था। तुम्हें अगर मैं मुदसर के बचपन की बातें बताऊं ना तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। असल में बचपन गुजरने के बाद कोई खुद को मनफी सांचे में ढाल लेता है, कोई मस्बत रवैया अख्तियार कर लेता है। असल में बचपन की आदतों को इतनी फितरत नहीं बनानी चाहिए, वो मासूम शरारतें एक मेहरबान सोच में बदल जाए तो क्या बात है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब्बा जी, आप क्या कर रहे हैं? ना तालीम ना खानदान और ऐसे शख्स के साथ मेरी बहन को। मैं दिलशाद जुल्फी को अब अच्छी तरह जान चुका हूं, बहुत भला आदमी है और इकबाल के लिए बहुत ही मुनासिब रहेगा। मुझसे तो बातें सुना सुना के मेरा जीना हराम कर देंगे। अब्बा जी आपको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा ख्याल करें, मासूम इकबाल का कोई ख्याल न रखूं? मैंने ऐसा कब कहा, रिश्ता है तो सही अनवर भाई का। बस करो अनवर, 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 खबरदार जो अब अनवर का नाम भी लिया तो। बाबूजी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बाबूजी जैसा आपका हुक्म, बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। इस रिश्ते से तो बचाई है तुमने, ये आपा वाले रिश्ते से कैसे बचाओगी? एक बार यहां फिक्र क्यों करती हैं, इस बार वही होगा जो आप चाहती हैं। मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, मुझे माफ कर देना एक बार। क्या हुआ, अब्बा जी ने आपा की बात मान ली? इतना अच्छा रिश्ता इस बेवकूफ लड़की की वजह से नहीं हो सका, इसी परेशानी और जल्दबाजी में आकर अब्बा जी ने फिर दोस्त के रिश्ते को हाँ कर दे। वहां कर देते तो ज्यादा अच्छा था। तो दादा जान ने किया क्या है? वो जो तुम्हारे अब्बा के दोस्त है ना जुल्फी, वहां रिश्ता तय कर दिया।
ना मशवरा किया, ना पूछा, ना बताया, बस अनन फनन। जो तुम्हारे भाई हैं बशारत साहब, वो भी अब्बा जी के हमनवा बन गए। मुझे माफ कर देना इकबाल, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। भाई पांडे, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। काश मैं कुछ कर सकती इकबाल। ये फैसला तो दादा जान ने किया है, अब उनके फैसले को कोई चैलेंज तो कर नहीं सकता, है ना? यही तो मसला है, वरना दाऊदा इनकार कर देता तुम्हारे रिश्ते से। अगर दादा जान फोर्स ना करते और डेविड इनकार कर देता तो आपको इतनी अच्छी बहू कैसे मिलती? अरे हटो भी, मुझे इकबाल की फिक्र हो रही है। और तुम्हें? आप फिक्र नहीं करे, जुल्फी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख्याल रखेगा वो इकबाल का, और मेरा दोस्त है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपको। तुम्हारी फजूल बातें कब खत्म होंगी? इकबाल से शादी होगी ना जुल्फी की, तो तुम्हारा फूफा ससुर होगा वो। नो वे, अब मुझे जुल्फी का फूफा कहना पड़ेगा। इकबाल आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं उसको जुल्फी ही कहूंगी। ऐसी एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, अब्बाजी को जुल्फी का कैसे ख्याल आया? किसने बताया ये रिश्ता उनको? आपको ना दादा जान से पूछनी चाहिए ये बात, वो आपको क्लियर बताएंगे। मैं और अब्बा जी से पूछूं? ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो सकता ये। आपके लिए एक बार मैं भी जुल्फी से बात कर लूं, फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने बात नहीं करनी। आप अभी नहीं शर्मा रही हैं? आपकी शादी हो रही है जुल्फी से। क्या हुआ? मुझे इसका डर था। किस चीज का डर? इकबाल का रिश्ता तय हो गया। किससे? नाजिया ने जो रिश्ता बताया था, दादा और फिरदौस, सबको वो पसंद आ गया। और इकबाल पप्पू को? वो क्या करेंगी बेचारे, नापसंदीदा शख्स के साथ जिंदगी गुजारेंगी। ये तो बात बुरा हुआ है, और तुमने कुछ नहीं किया, हैरान हूं मैं। मैं क्या करते? मतलब तुम्हारे होते हुए इकबाल पप्पू और सुल्फी के मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। तुम खुद ही तो कहते हो हर मामले में बोलना जरूरी नहीं होता, और यहाँ पर वही होता जो घर का बड़ा चाहता है, और दादा जान यही चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकी। और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रह ही रही हूँ तो यहाँ के रस्म और रवाज, तौर तरीकों को सीख लूँ, ताकि सबके दिलों में जगह बना लूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, अपने बारे में सोचूंगी। कनीज फातिमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ओ गॉड, तुम्हें बुद्धू बनाना कितना आसान है। एक बात बताओ, आशिक होते बुद्धू है?
Go on. जैसे तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया प्लीज फातिमा, तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया। Do you think so? हाँ सच कह रहा हूँ, अगर तुम ना आती तो इन बाल पप्पू की मोहब्बत का हमें पता ही ना चलता और उनकी जबरदस्ती किसी से शादी हो जाती, और अगर तुम ना आती तो स्क्रिया फ्रस्ट्रेशन में कुछ रत कदम उठा लेती। अगर तुम ना आती तो मुझे कैसे पता चलता कि एक बाहर से आई हुई मॉर्निंग लड़की सच्ची और सादी भी हो सकती, हमारी मोहब्बत भी अधूरी रह जाती। और अगर मुझे तुम ना मिलते तो मैं पाकिस्तान और यहाँ के मर्दों के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं पाती। तुमने मेरी सोच को बदला है, थैंक यू फॉर दैट। और इनकी मोहब्बत के बारे में कुछ ना कहूँ? मुझे लगता है कि मोहब्बत को बयान करने के लिए हफ्सों की जरूरत नहीं पड़ती। वाह क्या पोएटिक बात की है। तखिये की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक लीला काफी है। मुझे भी थोड़ी बहुत पोएट्री आ रही है। बात तो है। जुल्फी मेरी जान बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें आखिर एक बाल मिल ही गई। हाँ ये सब किम की वजह से, मेरी बरसों पुरानी मोहब्बत की तड़प सिर्फ उसने समझी और जानी। हाँ मैं जानता हूँ। ख्याल रखना उसका, खुश रखना उसको। जिसके ख्याल की इस कदर हिफाजत की थी तो जब वो खुद मिल जाए तो सोचो उसका कितना ख्याल करूंगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। नवीद फोन इसलिए किया था कि तुम्हें अपनी और इकबाल की शादी की मुबारकबाद देनी थी और बताना चाहता था कि मैं किम को उसका पासपोर्ट देने लगा। मैंने तो यही सोच के भिजवाया था कि अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो उसे पासपोर्ट दे दो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो गई है तो फिर मियाँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसे वहीं रहने दो। मुझे लगता है किम का फैसला उसकी मर्जी से होना चाहिए, वो या रहे या ना रहे। इसकी वजह कोई मजबूरी या मसलियत नहीं होनी चाहिए। वो यहां से जाना चाहे मगर जा ना सके, इसकी वजह पासपोर्ट नहीं दाऊद की मोहब्बत होनी चाहिए। इसी बात का तो डर है मुझे कि मोहब्बत होने के बावजूद भी वो वापस ना आ जाए। और भी तो मोहब्बतें होती हैं यार जो इंसान को अपनी तरफ खींच लाती हैं। यही तो इम्तिहान है और अब किम को इस इम्तिहान में से गुजरने दो। अगर बहुत ज्यादा बात बिगड़ती है तो उसका पासपोर्ट इसे दे दो। अच्छा खुदा हाफिज। ठीक है मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो हेलो सुल्फी। अच्छा ओके मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, बाय। क्या हुआ? सुल्फी के घर चलो, वहां जाकर बताती हूँ। तुम्हारे बाप का दिमाग खराब हो गया है वो जुल्फी, फजूल निकम्मा आदमी, इसकी
छोटी सी मामूली सी किताबों की दुकान है, उसको दे रहे हैं इकबाल का रिश्ता। चलो खानदान बरादरी ना देखते, हैसियत तो देखते है। समझाने की कोशिश तो की थी लेकिन अब्बा जी को पता नहीं क्या हो गया। अब ना मैं निकाह में जाऊंगा और ना मैं शादी में जाऊंगा और ना तुम्हें जाने की जरूरत है। अरे इकबाल बहन है मेरी, उसी की खातिर मुझे जाने दे, मुझे जाने से तो ना रोके। नहीं बस कह दिया, अपनी और अपने शौहर की इज्जत करवाना सीखो। एक तो हमारे बताए हुए रिश्ते से इनकार कर दिया उन्होंने, रस्मों रिवाज तौर तरीके सब तोड़े चले जा रहे हैं। अब्बू ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तुम चुप रहो, तुम्हारा मामला नहीं है बेटा। आप नाना अबू के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, किम के बारे में गलत बात कर रहे हैं, अम्मी को नाना अबू के घर जाने से रोक रहे हैं, ये सब सही नहीं है। आप सोचे आपके बारे में मुझे कोई गलत कहे, आपसे मिलने से मुझे कोई रोके, मुझे कैसा लगेगा? तुम अपने ननियाल वालों को नहीं जानती, एक नंबर के घुन्ने और मीसने लोग आए हैं। मैं उन्हें भी जानती हूँ और आपको भी अब्बू, वो जैसे भी हैं मुझे उनसे गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज सिर्फ आपसे है। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि लोगों की राय आपके बारे में अच्छी हो, कोई आपको बुरा ना कहे। तुम्हारे बाप को कौन बुरा कह सकता है? आज आप अम्मी के बाप के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, कल को अगर ऐसे ही शख्स कोई मुझे मिल गया तो? आप दूसरों के बारे में फिक्र करना छोड़ दें अब्बू। नाना अबू, मामी मामू, किम, उनके घर में क्या चल रहा है ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ हमारे घर के मामला, दूसरों के नहीं। ठीक है, ठीक है, हमें उनसे क्या लेना देना। कल इकबाल की बात पक्की हो जाएगी और नेक्स्ट वीक उसका निकाह रुक सकती है। मैं सोच रही हूँ कि 2 वीक्स के बाद की टिकट करवा लूँ। और रिटर्न? 1 वे। तो वापस नहीं आओ? तुम मेरे पास आओगे वहाँ। फिर वही बात, फिर वही जिद। इस फातिमा जिद नहीं है, बस एक अहद किया था साथ, एक कमिटमेंट की थी। कौन से कमिटमेंट? जब मैं छोटा था तो दादाजी अक्सर नवीद अंकल के बारे में बताया करते कि उनका एक बहुत ही लायक भतीजा अमेरिका पढ़ने चला गया और कभी वापस नहीं आया। एक अजीब सा दुख, तकलीफ और खो देने का एहसास लग रही बात। एक दुख उनको अपने भतीजे खो देने का था, दूसरा वो जो नवीद अंकल ने खुशी को के साथ किया। फिर जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैंने अपने साथ एक हैद किया, एक कमिटमेंट की कि मैं कभी भी अपना मन छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो भी पढ़ूंगा सीखूंगा वापस यहीं लौटाऊंगा, लोगों की खिदमत करूं। तुम्हें पता है कि
मेरे बैच में जितने भी लड़के थे वो सब बाहर चले गए, कोई अमेरिका, कोई लंदन, सारी क्रीम चली गई। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। बस मैं और मुझ जैसे कुछ लोग यहां रह गए। I really respect your commitment, David. But अगर realistically बात की जाए तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। अमेरिका में आगे बढ़ने की बहुत चांसेस हैं, फ्यूचर है वहां पे, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं। आई थिंक तुमने बहुत जज्बाती फैसला लिया था। हर मुल्क में मुझ जैसे कुछ जज्बाती लोग हैं जो उस मुल्क को चलाने में मदद कर रहे हैं। क्वांटिटी में शायद कम हो लेकिन क्वालिटी में अच्छे हैं। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम इतने काबिल इंसान हो, तुम्हारी कदर यहाँ पे नहीं करते लोग। कदर और कीमत जो है ना अपने मुल्क में होती है। आप अपनी जगह के बादशाह होते, बाहर सिर्फ दरबारी सेकंड क्लास सिटीजन। तुम अमेरिका को गलत समझ रहे हो। अगर मैं अमेरिका चला जाता तो तुम्हें कैसे मिलता? पाकिस्तान में हूं तो तुम्हें पाए। हाँ, बट ऐसे कपड़ों को कैरी करना बहुत मुश्किल है। वैसे हैरत है तुमने मेरे कहे बगैर ये कपड़े पहन लिए। अच्छा ड्रेस करती हूँ। तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ, इकबाल और जुल्फी के लिए हूँ। चलो इस बहाने मुझ गरीब की भी सुनी गई। थैंक यू अंकल, आपने जुल्फी भाई को अपनी बेटी के लायक समझा। मैं कौन होता हूँ किसी को लायक या नालायक समझने वाला। दिलशाद मियाँ की सच्चाई ने खुद को मनवाया है। अब अगले जुमे को सादगी से निकाह का फरीजा अदा कर लेंगे। कबूल है आपको? जी कबूल है। आपकी इजाजत हो तो जो अंगूठी हम लाए हैं उसे पहनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। जुल्फी को पहनानी चाहिए ना रिंग? नहीं, आप ही बनाएंगे। कंग्रेचुलेशंस, पहले सहेली थी, अब मेरी भाभी बनने वाली। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें तुम मिली। हम भी बहुत लकी हैं कि हमें जुल्फी जैसा लड़का मिला। वैसे ये इन दोनों की इनडायरेक्ट बातें होती रहेंगी या फिर कोई डायरेक्ट बात भी होगी? तेरी स्पाटला कभी तो बड़ा ख्याल करने को।
तो बड़ों को भी तो इनका ख्याल करना चाहिए ना, इनको उनकी स्पेस मिलनी चाहिए। आई थिंक खाना लग गया, हम लोग खाना खाते हैं। जुल्फी और इकबाल, आप हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। करूं मैं शिकवा या कहूं मैं शुक्रिया, हंसी नमी बन गई, अश्क फिर मुस्कुरा दिया। सांस लेना भी सजा, धड़के दिल बेवजह, जीना इतना। बहुत किताबें पढ़ता, टूटी फूटी शायरी भी कर लेता, मंजिल भी लापता, लेकिन आज तो ना जज्बात ना ही अल्फाज काबू। आ मिले हो यूं ही, आप खुश है ना? या फिर यूं ही आ मिले। शायद इससे पहले मैं कभी भी इतनी खुश नहीं थी। या फिर मैं हमेशा आपको इतना ही खुश रखूं। दूर हम दो कदम थे, कहीं दो कदम भी मिले तुम नहीं, तुम भी नहीं, अब वहां मैं भी नहीं, पर सब पड़ा है वही का वही। थोड़ी देर रुक जा, देख रहे कमीज ना, फिर वही बोलेंगे उनसे अंदर के। हूं तो मैं ऐसे खुद को बदल नहीं सकती नहीं मेरी। जब तक मेरा दिमाग ना माने और दिल कन्विंस हो, मैं खुद को नहीं बदल सकती। तुमने क्या सोचा, मैं तो इकबाल की शादी के बाद चली जाऊंगी। तुम मेरे लिए अपना लिबास भी बदल सकते हो, पर मुझे मुल्क बदलने को कहेंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। डेविड, खुद को ये समझाओ, हमारे रिश्ते के लिए यही बेहतर है। तुम जानते हो कि मैं हर हाल में यहां से जाऊंगी। इतना आसान है तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर जाना? मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल, इसलिए मैं एक ही दफा पूरी सच्चाई से समझ लू, क्या तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो? मुझे जाना होगा। क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते? ये मेरा सच है। होना
डैड कैसे हैं आप? बस देख लें, जो काम यहाँ कोई नहीं कर सका वो आपकी बेटी ने कर दिया जी। बहुत खुश थे जुल्फी और इकबाल, और बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। अगर ये चलेगी तो क्या मैं रह पाऊंगा इसके बगैर? क्या फिर यूं ही आ मिले?